हेलो स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट लाया था टॉर्च बियरर्स का पार्ट फर्स्ट था, और पार्ट फर्स्ट में भी पार्ट फर्स्ट लाया था। ओके, जैसे आप हम जानते हैं कि मैं चैप्टर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ, तो आज कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक व्यापारी था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, और जब उसको ये लगता है कि अब उसके जीवन के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो वह अपने दो बच्चों को बुलाता है और एक टेस्ट लेता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो अपने धन को दोनों के बीच में बांटे। वो चाहता था कि पूरा का पूरा धन किसी एक, जो सबसे चतुर लड़का हो, बुद्धिमान हो, केवल उसी को मिले, सबको ना दिया जाए, मतलब दोनों को ना दिया जाए। ओके, तो उसके लिए वो टेस्ट लेता है और उसके लिए दोनों को बुलाता है और 2 रुपये देता है। वो कहता है एक एक रुपए लेकर जाओ और कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे पूरा घर भर जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ से। सो इसलिए ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट। इसलिए जो दोनों प्रत्येक दोनों लड़के थे या दोनों आदमी थे, टुक अप, उन्होंने ले लिया अ रुपी, एक एक रुपी, एंड वेंट आउट, और चले गए। द फर्स्ट वन वांडर्ड थ्रू द बाजार। जो पहला था उनमें से, जो पहला एक था वांडर्ड, वो भटका कहाँ, थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन कुछ भी ढूंढ ना सका, कुछ भी पा ना सका। विच कुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस, जो उसके उद्देश्य को पूरी तरीके से पूरा कर सके, जो उसके पर्पस को पूरा कर सके। ऑल डे, पूरे दिन, लॉन्ग ही वांडर्ड, है पूरे दिन वो भटकता रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप, पूरी दुकानें उसने देखी कि कुछ ऐसा मिल जाए कि 1 रुपए में मैं खरीद लूँ और पूरा घर भर दूँ। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन कुछ भी वो पा ना सका, मतलब कुछ भी नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वो और भी ज़्यादा निश्चित हो गया, सर्टेन हो गया, दैट कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, कि कुछ हमारे उसके पिता के साथ कुछ गलत हुआ है, या पिताजी की जो खोपड़ी है वो ख़राब हो गई है ना, क्योंकि 1 रुपए में ऐसी कौन सी चीज़ मिल जाएगी जो पूरे घर को भर दे। ये बात वो इंसान सोच नहीं पा रहा था जो उनमें से पहला था। ओके, ही वॉज अबाउट टू गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, अबाउट मीन्स आ जाता है, अबाउट टू मीन्स होता है वाला, वाली के लिए यूज़ करते हैं। तो वह छोड़ने ही वाला था हिज सर्च ऑफ डिस्पेयर, निराशा में इस खोज को छोड़ने ही वाला था। डिसपेयर मीन्स होता है निराशा, इस निराशा में अपनी खोज को छोड़ने ही वाला था। व्हेन, जब ही सॉ अ बुलक कार्ट, उसने एक बैलगाड़ी देखी विद अ लोड ऑफ हे, भूसे से भरी हुई, हे मीन्स होता है भूसा। द लुक्स होपफुल, अब उसकी उस वो आशा आ गई उसके पास, मतलब आशा उसको दिखने लगी। ही थॉट, उसने सोचा, आई वॉन्डर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर अ रुपी। आई वॉन्डर, कि मैं आश्चर्य में पड़ गया कि हाउ मच है, कि कितना जो है मैं भूसा जो हूँ वो खरीद सकता हूँ 1 रुपए में। मतलब इस चीज़ में आश्चर्य में था कि यार 1 रुपए में अगर मैं भूसा खरीदूँ ही तो 1 रुपए में कितना भूसा मिलेगा। ये बात बहुत पहले की है, 1 रुपए में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। आपके फादर और बाबा दादी जो भी लोग हैं वो बताते होंगे कि 10 रुपए में हम इतनी सारी चीज़ें ले आते थे, तुम नहीं ला सकते। तो अपनी कंपेयर वो कभी कभी हम लोगों से कर देते हैं, मेला देखने जाओ तो उनसे पैसे मांगो तो 10 रुपए देते हैं, और 10 रुपए में आपको मालूम है, मतलब सही से कहें तो 2 समोसे भी नहीं मिलते। अब तो समोसे भी महंगे हो गए, लेकिन जो है वो अपना कंपेयर करते हैं कि 10 रुपए में हम तो ये कर देते थे, तब का 10 रुपए आज का 10 रुपए में अंतर है। तो ये बहुत पहले की बात है, तो वो सोचता है कि 1 रुपए में कितना भूसा हम ले सकते हैं। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, गाड़ी का जो ड्राइवर था उसके पास वह गया, एंड इंक्वायर्ड, और जानकारी ली अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, उस भूसे की प्राइस की, मतलब उसके कि कितने रुपए का भूसा है, मूल भाव किया है ना। ओके, देर वॉज अ गुड डील हैगलिंग, देखिए हैगलिंग मीन्स होता है मोल भाव करना, बार्गेनिंग करना। देर वॉज अ गुड डील हैगलिंग, ये एक बहुत अच्छा सौदा था ओवर द प्राइस के लिए, मतलब उस प्राइस पे। बट इन द एंड, लेकिन अंत में,
ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी, लेकिन वो अंत में जो है वो 1 रुपए में पूरा का पूरा भूसा देने के लिए वो तैयार हो गया और इनका काम हो गया, 1 रुपए में पूरा भूसा मिल गया पूरी बैलगाड़ी से भरा हुआ। दिस वॉज इन द डे वेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील मोर देन इट विल बाई नाउ। देखिए जो मैं अभी बोल रहा था वही बात आ गई है कि दिस वॉज इन द डेज, कि वो दिन थे जब वेन आ रुपी जब 1 रुपए में वुड बाई अ ग्रेट डील, जब बहुत सारे 1 रुपए में बहुत चीज़ खरीदी जा सकती थी, मोर देन इट विल बाई नाउ, आज के दिन की अपेक्षा पहले के दिन में 1 रुपए में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। ओके, तो ये बात आ गई यहाँ पर, तो इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं पढ़नी चाहिए कि 1 रुपए में कैसे बैलगाड़ी सब कुछ खरीद लिया, उस समय खरीदा जा सकता होगा। सो इसलिए, और कौन सा सोना खरीद लिया, भूसा ही सब खरीदा था। सो इसलिए द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट। ओके, लेड ऑफ मिस होता है लिवा ले जाना, तो यंग मैन जो है, जो यंग मैन था उसने उस गाड़ी को वो लिवा ले गया विद द हे किसके साथ, भूसे के साथ, टू द फादर्स हाउस अपने पिताजी के घर में। होपफुली ही पाइल्ड इट इन टू द हाउस, देखिए पाइल्ड मिस होता है ढेर लगाना, और पूरी आशा के साथ ढेर लगा दिया उस घर में। बट वेन इट फॉल्स ऑल इन, लेकिन जब वो उसने पूरा डाल दिया तो ही फाउंड, तो उसने पाया दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, तो जब उसने पूरा डाल दिया तब उसने पाया कि वो जो भूसा था, कवर मिस होता है ढक देना, और फ्लोर मिस होता है फर्श, तो उस फर्श को भी ढकने में सक्षम नहीं था, काफ़ी नहीं था। लेट अलोन फिल द हाउस अलोन होल हाउस, तो अकेले ही पूरे घर को भरने दो। ओके, कि उसने ये कहा कि मतलब पूरा फैला के जब उसने देखा तो उसने देखा कि वो पूरा भूसा उसकी फर्श को भरने के पूरा भी ढक नहीं पाया, तो पूरा घर क्या भरेगा। ओके, तो बेचारा परेशान हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब दूसरा वाला लड़का क्या करता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।